बीते 3 महीने से पीने के पानी को तरस रहे इस तहसील छोर पर बसे बीवी टेकड़ी के निवासी आखिरकार आज सब्र का बांध तोड़ते हुए पंस पहुंचकर बीडीओ के समक्ष व्यथा रख दी। 38 नागरिकों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन में बीडीओ एवं सभापति से इस पर तत्काल प्रभाव से रास्ता निकालने की मांग की है। लिखित ज्ञापन अनुसार इतनी ज्वलन समस्या होते हुए भी ग्राम पंचायत द्वारा दुर्लक्षिता बरतने का आरोप उन्होंने लगाया है। इस संबंध में मिली अधिक जानकारी के मुताबिक उक्त गांव ऊंचाई पर स्थित है, खासकर गर्मी के दिनों में समस्या और भी गंभीर बन जाती है। सफलता पंच द्वारा जल समस्या पर उपाय हेतु जल जीवन मिशन तहत 40 लाख की योजना प्रस्तावित की गई। मात्र विडंबना है कि गर्मी का मौसम बीतकर बारिश के 3 माह गुजरने पर भी निविदा ही नहीं निकल सकी, शेष कार्य तो दूर की बात है। ज्ञापन देने आए बीवीटी के नामदेव दौड़ के श्याम घरत, सोमा ढोने, दिवाकर सापसा कड़े, मनोज ढोने, तुलसीराम तुकुराम कवड़ू सावसा कड़े, सोनबा पानुरंग दौड़के ने सरपंच दिनेश पाटिल और ग्राम सचिव भारत चौहान जानबूझकर दुर्लक्ष किए जाने से आगामी चुनाव में सबक सीखने का संकल्प व्यक्त किया। इस संबंध में लोस द्वारा सचिव चौहान से फोन पर संपर्क करने पर फोन रिसीव नहीं किया। ज्ञापन देने आए भीवीटे निवासियों के साथ गए पंच सभापति ममता शिंदे, सदस्य राहुल मसराम और माधुरी देशमुख से बीडीओ अनीता तेलंग ने पदाधिकारियों के खड़े होते हुए भी कुर्सी पर बैठे हुए ही ज्ञापन स्वीकार किया। इससे पूर्व 26 अगस्त को वेकोली गोकुल खदान के संदर्भ में भी पिरावा निवासी नागरिकों के साथ गए इन्हीं पदाधिकारियों के समक्ष बैठकर ही ज्ञापन दिया था।